गाइस, क्या आप लोग भी 2023 के अंदर एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन करने की सोच रहे हो, क्रिएट करने की सोच रहे हो? तो दोस्तों, आपका ऐसे वीडियो पर स्वागत है। और दोस्तों, मैंने 2023 क्यों बोला, तो दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है साल बाय साल। तो दोस्तों 2023 के हिसाब से मैं आपको 5 ऐसी सेटिंग्स भी बताऊँगा जिन्हें आपको चैनल क्रिएट करते समय ध्यान में रखते हुए इन सेटिंग्स को आपको ऑन कर लेना है और अप्लाई कर लेना है अपने चैनल पर। अब दोस्तों, इन सेटिंग्स से आपका जो चैनल है वो ग्रो होने में हेल्प होगी। अब दोस्तों हेल्प होगी मतलब आपका चैनल डायरेक्ट ग्रो होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, हेल्प होगी मतलब आपका चैनल सर्च में आएगा, लोगों को आपके वीडियोस रिकमेंडेड होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका चैनल तुरंत ही ग्रो हो जाएगा, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। और दोस्तों, मैं आपको ये 5 सेटिंग्स तो बताऊँगा, साथ ही साथ मैंने वीडियो में आपको 5 ऐसी वेबसाइट और ऐप बता रखे हैं जिनका बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं टेक रिलेटेड, या जैसे कि मनोज दे, टेक्निकल योगी, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इन ऐप का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, मैं पर्सनली भी इन ऐप को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब पर, मैं उसका भी कुछ हिस्सा आपको शेयर करूँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद जो आपका प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है कोने में, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है। अब मैं जो है प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। अब जो आपकी आईडी शो हो रही है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर अकाउंट्स के बगल में आपको एक जो है प्लस का आइकन दिखाई देगा, उस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर यहाँ पर लोडिंग होने के बाद पासवर्ड पूछेगा होम स्क्रीन का, तो पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद फिर से चेकिंग इन्फो लिखा आएगा, तो आपको इस पेज पर ये ले आएगा। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर माय सेल्फ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने YouTube चैनल का जो भी नाम डालना है वो डाल सकते हो, नहीं तो नाम आप बाद में भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर उत्कर्ष साहू डाल दिया। अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और ध्यान रहे आपको 18 प्लस डेट ऑफ बर्थ को डालना है, नहीं तो आपका जो है चैनल वो किड्स वाले सेक्शन में चला जाएगा। अब दोस्तों नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, या फिर तो यहाँ पर मैंने मेल सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन 2 से 2 आईडी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप नीचे क्रिएट योर ओन पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं साहू उत्कर्ष यादव तो एक क्लिक कर ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर नहीं आ रही, तो मैं जो इसने बना के दी उसी को मैं यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये पासवर्ड बनाने को बोलेगा, तो कुछ अच्छा सा तगड़ा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना। उसके बाद इस पेज पर आ जाओगे तो आपको थोड़ी नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और SIM पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नीचे इस पेज को स्क्रॉल करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका काम हो चुका है। थोड़ा यहाँ पर लोडिंग और लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपको वापस जो है ओपन कर देगा यूट्यूब पर। देख सकते हो यहाँ पर वापस से रिडायरेक्ट कर दिया है, वापस मुझे यूट्यूब पर ले आया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दोबारा से ये लोडिंग होगा, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करना है, आईडी पर जाना है, और जो भी अकाउंट न्यू क्रिएट हुआ है उस पर टैप कर देना है। टैप जैसे ही करोगे यहाँ पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको जो है लाइब्रेरी वाले इस सेक्शन पर चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है, यूअर चैनल में जाना है। जाने के बाद यहाँ से देख सकते हो आप प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, नेम बदल सकते हो, और यूट्यूब हैंडल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर मैं एक डाल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पिक्चर डाल दी है, तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पिक्चर डाल रहा हूँ। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर मैं नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ, तो कुछ यहाँ पर मैंने नाम भी चेंज कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। बस नाम चेंज करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर से कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हैंडल का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने हिसाब से चुन लेना। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार कोशिश की थी, पर यहाँ पर ये हैंडल जो है मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर मैं जो इसने दिया है मैं इसी को सेव कर ले रहा हूँ। तो मैंने कर दिया है सेव, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है जो स्टार्टिंग में आपको हैंडल मिल जाते थे मनपसंद के,
तो यहाँ पर सेव करने के बाद क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है और आपका काम हो चुका है, आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख सकते हो चैनल क्रिएटेड लिखा आ गया है। अब दोस्तों आप इस पर वीडियो और पोस्ट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल अकाउंट को क्रिएट कर लिया था, साथ ही साथ अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लिया। पर दोस्तों मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको 5 सेटिंग्स और 5 वेबसाइट और ऐप बताऊंगा जिनका यूज़ आप अपने वीडियोस को क्रिएट करने में कर सकते हो, अपने चैनल को ग्रो करने में कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में अगर मैं वो सारी सेटिंग्स और ऐप को बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अगले पार्ट में इस वीडियो के अगले नेक्स्ट पार्ट में कुछ और टाइटल के साथ मैं आपको ऐप को प्रोवाइड करूँगा, साथ ही साथ वेबसाइट को बताऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी थोड़ी सी तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझसे कुछ गलती हुई तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।